संत सिंह छठवाल, कई होटलों के बादशाह, ये इनकी बादशाहत की ही शान है कि भारतीय और अमेरिकी नेताओं के साथ उठना बैठना इनके लिए रोजाना की बात है। तो इनकी शामें अक्सर सजती हैं बॉलीवुड के सितारों के साथ। इनके मिलने वालों में अमेरिका के राष्ट्रपति भी शामिल है। बिजनेस में कामयाबी का ये आलम है कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में ही इनके एक दो नहीं बल्कि 8 होटल हैं। न्यूयॉर्क शहर की कई बहुमंजिली इमारतों के मालिक हैं संत सिंह छठवाल, जिनमें मैनहट्टन इलाके का ये बिल्डिंग भी शामिल है। रहते हैं इस बिल्डिंग के 45वें मंजिल पर एक आलीशान पेंट हाउस में। पिछले 27 सालों से ये न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क शहर है छठवाल के दिल के बेहद करीब। हमारा बिजनेस पहले सैन फ्रांसिस्को में होता, डेनवर में होता था, मगर बड़े बड़े शहर हमने अटलांटा भी देखा हुआ है बिजनेस करके, मगर जो काम का नशा न्यूयॉर्क में है वो और कहीं नशा नहीं है। सच है, छठवाल के जुनून को कामयाबी की मंजिल मिली न्यूयॉर्क शहर में। बिजनेस में कदम रखा इथियोपिया और कनाडा में भारतीय रेस्टोरेंट्स खोलकर, लेकिन सफलता की राहें खुली न्यूयॉर्क में शुरू किए गए बॉम्बे पैलेस रेस्टोरेंट से। फिर तंदूरी खाने के लिए मशहूर इस होटल को शोहरत इतनी मिली कि न्यूयॉर्क की सरहदें छोटी पड़ गई। आज बॉम्बे पैलेस रेस्टोरेंट दुनिया के कई बड़े शहरों में मौजूद है। ये चिकन कीमा जो है, वाइट मीट, ये सबसे बढ़िया हमने इधर बॉम्बे पैलेस में चालू की थी 25 साल पहले। एंड दिस इज रियली माय फेवरेट डिश व्हिच आई रियली लव टू हैव फूड लाइक दिस। तमाम दुनिया पर अपनी कामयाबी से छाप छोड़ने वाले इस शख्स का बचपन गुजरा भारत में। भारतीय नौसेना में पायलट बने, 3 साल काम करने के बाद 1967 में पहुंच गए इथियोपिया, क्योंकि इच्छा थी आसमान से भी ऊंची बुलंदियां छूने की। चैलेंज के लिए हम अफ्रीका चले गए, इथियोपिया। इथियोपिया जाकर हमारे पास पायलट का लाइसेंस भी था, सब कुछ था, मगर फिर भी पायलट की जॉब इसलिए नहीं मिली बिकॉज वो मेरे चाहते थे हम अपने बाल कटवा दें, तो कभी हम नहीं करने वाले थे, अपनी कल्चर उसकी रिस्पेक्ट करते। इस तरह के कड़वे तजुर्बों ने नींदें जरूर छीनी होंगी, लेकिन सपने न छीन सके। यू गॉट टू बिल्ड कास्ट इन द एयर। साइकिल का मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं हमेशा गाड़ी का सोचता था कि मेरे पास कार कब होगी। तो उस वक्त मैं 10 साल का था, हमारे 8 बहन भाई थे, तो घर में एक साइकिल थी। पंजाब गांव में छोटे से टाउन में अच्छी एजुकेशन ली थी, सब कुछ, मगर सपना हमने कभी भी छोटा सपना नहीं लिया था, बड़ा सपना लिया था। सच तो यह है कि हवाई किले आज होटलों की शक्ल ले चुके हैं। कामयाबी की इस मंजिल तक पहुंचने में साथ दिया पत्नी दमन ने। क्या था, हमें लोगों से सोशली मिलना बहुत अच्छा लगता था, हम दोनों का नेचर यही था। तो रेस्टोरेंट में पहला हमने रेस्टोरेंट खोला कॉल्ड संगम, एंड वो इतना कामयाब हुआ कि हम आपको बता नहीं सके। जब वहाँ कू हुआ तो हम कनाडा आ गए, तो वहाँ भी हमने रनिंग बिजनेस रेस्टोरेंट लिया, कॉल पिकैसियट हमारा पहला रेस्टोरेंट था, पिक अप योर प्लेट फ्रेंच में, उसको हमने इंडियन बनाया, वो भी कामयाबी हुई। पर इनके लिए वो कामयाबी बहुत कम थी, कहने लगे कि न्यूयॉर्क इज़ अ बिगेस्ट सिटी, वी शुड हैव अ चैलेंज ओवर देयर। सो सबसे पहले हमने बॉम्बे पैलेस खोला जो रॉकफेलर सेंटर में है। न्यूयॉर्क में रेस्टोरेंट खोला, कनाडा में टोरंटो में खोला, हांगकांग में खोला 20 साल पहले 1985 को, लंदन में खोला 83 में। जब लंदन में रेस्टोरेंट खोला, सब लंदन वाली प्रेस आई कि आप अमेरिका से आके लंदन में रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, ये क्या बात है। मैंने बोला ऐसे है कि चैलेंज है, हम चैलेंज लेके काम करते हैं, और मेरे को यही शौक था कि मेरा दुनिया में बिजनेस हो। 1990 का दशक संत सिंह छठवाल के कारोबार के लिए बुरा वक्त लाया, बात दिवालियापन के ऐलान तक पहुँच गई, जिसने कुछ विवादों को जन्म भी दिया। लेकिन अमेरिकी कानून के मुताबिक दिवालियापन की घोषणा के बाद भी जिंदगी नए सिरे से शुरू की जा सकती है, और यही कुछ किया छठवाल के हैम्पशायर होटल्स और रिजॉर्ट्स ने। छठवाल एम्पायर महज कारोबार नहीं, एक सपना भी है। इसे और ज्यादा सवारने के लिए संत सिंह छठवाल तैयार कर रहे हैं अपने बेटों विक्रम और विवेक को। बड़े बेटे विक्रम के ख्यालात नए हैं, तो वो छठवाल एम्पायर के लिए नई सरहदें भी खोलना चाहते हैं। कभी प्लेबॉय पुकारे जाने वाले विक्रम के नए यकीन को हकीकत बनाने में काम आ रही है उनकी वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस की डिग्री। यू नो, आई एम डूइंग दिस ड्रीम होटल्स व्हिच आर मोर मॉडर्न, दे डोंट रियली हैव अ ट्रेडिशनल इंडियन टच टू देम, एंड आई वांट टू टेक देम टू डिफरेंट सिटीज। संत सिंह छठवाल के दोस्तों में गिने जाते हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलरी क्लिंटन। दूसरे अमेरिकी नेता भी इनकी दोस्ती के कायल हैं। सो वी ट्रस्ट हिज जजमेंट, we respect his knowledge and we love his enthusiasm for America and for India. He has
helped in such an important way to further and strengthen the relationship of our two democracies. He's a man who is totally India and totally America. हिंदुस्तानी तहजीब और अमेरिकी चलन का अनोखा संगम है इनके मिजाज में। कोई भी हमें देखेगा पगड़ी दाढ़ी के साथ देखेगा, हिंदुस्तानी बोलते हैं, हिंदुस्तानी खाना खाते हैं, लोगों को हिंदुस्तानी खाना खिलाते हैं, हिंदुस्तानी कल्चर है। संत सिंह चटवाल अपने दिल में जज्बा लिए भारत से अमेरिका आए थे। जज्बात को तो अमेरिका में मंजिल मिल गई, लेकिन दिल अभी भी हिंदुस्तानी है।